व्हाइट पेपर लेंगे, उसके बाद हम ग्रीन पेपर लेंगे, उसे कट कर लेंगे, उसमें हम एक हार्ट शेप बनाएंगे, फिर उस हार्ट शेप को भी कट कर लेंगे, उसके बाद उसमें हम ग्लू देंगे और उसके बाद उसे हम चिपका देंगे, उसके बाद वहाँ पे हम हैप्पी फादर्स डे लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम वहाँ एक पेपर लेंगे और उसमें पहले हम रेक्टेंगल जैसा कट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर कट करेंगे, और उसके बाद हम उसमें फ्लावर बनाएंगे सबसे, उसके बाद फ्लावर बनाने के बाद उसे चिपका देंगे और एक स्टोन लेके उसमें चिपका देंगे, और फिर दूसरा फ्लावर भी बनाएंगे जिसमें सेम ही प्रोसेस चाहिए, और फिर हम उसे बनाने के बाद उसमें फिर से एक स्टोन लगा देंगे, उसके बाद हम ब्लू पेपर लेंगे, ब्लू पेपर को भी कट कर लेंगे, और उसके बाद उसमें भी एक स्क्वायर टाइप का कर देंगे, और उससे भी हमें फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर बनाने के बाद उसे हम चिपका देंगे, और उसके बाद हम चिपकाने के बाद उस स्टोन दे देंगे, और फिर हम ऐसे करके दूसरा वाला भी करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला करने उसके बाद उसमें भी स्टोन दे देंगे, और उसके बाद हम कुछ कट कर लेंगे, और उसके बाद कट करने के बाद हम वहाँ पे लीफ कट करेंगे, तो लीफ कट करने के लिए हमें ग्रीन पेपर चाहिए, तो ग्रीन पेपर से हम लीफ कट करेंगे, तो हम सबसे पहले उसे मोड़ देंगे और उसके बाद उसमें कट करेंगे, और उसके बाद हम लीफ कट करने के बाद हम स्टोन निकालेंगे, 3-3 स्टोन करके हम देते जाएंगे, और उसके बाद हमारा कार्ड हो गया था यार, और उसके बाद हम पिंक कलर लेंगे, पिंक कलर करने के बाद उसके अंदर अंदर से डिज़ाइन करने के लिए हमें पिंक कलर देना होगा।